नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस की वजह से विद्यालयों की स्थिति जो है सो थोड़ी सी जो है खराब हो गई है, ठीक है ना। तो उस जो बेपटरी पर गई हुई विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं उसको पटरी पर लाने के लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस चुकी है। अब कमर कसने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आपको भी सरकार के साथ जो है सरकार के पदाधिकारियों के साथ कमर कस के तैयार रहना होगा, यानी 9 से 4 की सीटी बजानी पड़ेगी, ठीक है। अब देख लीजिए, 9 से 4 यानी कि आपको, देखिए आज का जो वीडियो है बिल्कुल जो ये निरीक्षण हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये निरीक्षण हुआ है, पिछले दिन निरीक्षण हुआ है। उस निरीक्षण में जो प्रश्न पूछे गए हैं शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। किन किन बिंदुओं पर राज्य की टीम फोकस कर रही है इसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, आपको पता ही है कोरोना वायरस के कारण जो विद्यालय की व्यवस्था बेपटरी हुई है उसको पटरी पर लाने के लिए सरकार जो है लगातार पत्र जारी कर रही है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के माध्यमिक विद्यालयों तक सभी को जैसे ही विद्यालय खुला है उसकी पठन पाठन सुव्यवस्थित हो इसके लिए जो है सो लगातार सरकार निरीक्षण करने के लिए पदाधिकारियों को आदेश दे चुकी है। तो पदाधिकारी जो है सो लगातार निरीक्षण कर भी रहे हैं, चाहे वो जिला का हो, चाहे वो प्रखंड का हो, चाहे वो राज्य की टीम हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो निरीक्षण हो रही है उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, निरीक्षण में सबसे पहली ये ध्यान रखा गया है कि जो शिक्षकों की उपस्थिति है, बच्चों की उपस्थिति है, उसमें जो है सो 9 से 4 का पालन किया जा रहा है या नहीं, क्योंकि राज्य की टीम जो है ये सबसे पहले 9 बजे के आसपास ही विद्यालय पर पहुँच चुकी थी, ठीक है। तो इनका टारगेट था कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति को जांचना, बच्चों की उपस्थिति को जांचना, विद्यालय समय से खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले इन्होंने फोकसित किया था। उसके बाद देखिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न और उसके जवाब हम आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जब आए विद्यालय में तो ये सबसे पहले यानी कि सवेरे सवेरे एकदम 9 बजे पहुँच चुके थे। जब विद्यालय पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा विद्यालय खुला या नहीं, तो विद्यालय खुल चुकी थी और सभी लोग लगभग मौजूद भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा हमें जानकारी मिला है दोस्तों उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब प्रश्न की बात कर रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले विद्यालय में घुसते ही विद्यालय की स्वच्छता पर ध्यान दिया। विद्यालय की स्वच्छता पर इसलिए ध्यान दिया कि देखिए, विद्यालय जब पिछले 1.5 साल से बंद है तो वहाँ पर विद्यालय के जो प्रांगण हैं उसमें घास, दूब आदि जो है सो जन्म गए हैं, यानी उग चुके हैं, तो वो उसको साफ़ सफाई अच्छी तरीके से किया गया है नहीं। साफ़ सफाई के साथ साथ दोस्तों कोरोना की वजह से वहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का जो है सो जिक्र किया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दोस्तों कि 50% बच्चों की उपस्थिति और उसमें जो है सो 100% शिक्षकों की उपस्थिति पर भी चर्चा किया गया। तो 50% जो है सो बच्चे, 50% आप अपने हिसाब से ऑड इवन लगा लें, या 1 से 50 तक आए और अगले एक दिन और 1 50 के बाद आए एक दिन, या आधा आधा जहां से आपको 50% लगेगा आधा आधा करके बच्चों को बुलानी है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो है सो ये इन्होंने जो नेक्स्ट चीज़ों पर ध्यान दिया, स्वच्छता के बाद इन्होंने देखा तो बच्चों की जो स्वच्छता में एक चीज़ और लिया कि शौचालय की भी स्थिति को इन्होंने जांचा। शौचालय की स्थिति इसलिए जांचा कि शौचालय में ये लंबे समय तक बंद था तो उसकी जो है सो साफ सफाई अच्छी तरीके से हुई है कि नहीं, क्या उसमें ज़्यादा तो गंदगी तो नहीं है जिससे बच्चों के जो है सो स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, ठीक है। इसके लिए अब इसके बाद इन्होंने देखा, देखिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक चीज़ और आता है कि बच्चों को मास्क जो है सो अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। बच्चे मास्क में रहें, अब चाहे जो भी हो, ठीक है, लेकिन बच्चे को मास्क में रहना है। साथ ही साथ दोस्तों शिक्षकों को भी मास्क हमेशा लगा के रहना विद्यालय में, ठीक है। ये है कोविड प्रोटोकॉल का जो है सो पालन। अब बच्चों की उपस्थिति सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, इन चीज़ों पर भी इन्होंने फोकस किया। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही बच्चों को विद्यालय में बड़े कक्ष में बैठाना है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद उपस्थिति को इन्होंने देखा, बच्चे जो 50% में कितना परसेंट उपस्थित है इसको देखा। शिक्षकों की उपस्थिति को भी ध्यान दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है, शिक्षकों की उपस्थिति में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है सो जोर दिया गया है कि विद्यालय में शिक्षक जो उपस्थित हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विद्यालय में जितने शिक्षक हैं उसमें कितने परसेंट यानी कि जो अवकाश पर गए हुए, ठीक है। अवकाश पर जाने का तात्पर्य है दोस्तों कि आपका अगर CL है, आपका यदि विशेष अवकाश है, तो ये आप जो है सो अगर लेना चाहते हैं तो सिर्फ आवेदन देने से काम नहीं चलेगा, आवेदन स्वीकृत होना चाहिए। आवेदन की स्वीकृति के साथ साथ आपके कॉलम में भरा होना चाहिए,
यदि आपका आवेदन दिया हुआ है लेकिन स्वीकृत नहीं है, फिर भी आपको जो है सो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित मानते हुए आप पर कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई में वेतन काटने की ही बात हो रही है, सीधा सीधा कार्रवाई में सीधा सीधा वेतन काटने की ही बात हो रही है। वेतन काटते हुए आपकी सेवा में जो है सो टूट माने जाने की तैयारी चल रही है, ठीक है। अब देखिए बाकी होता क्या है ये तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सो विद्यालय में जब जो ही घुसा इन्होंने तो स्वच्छता के साथ स्वच्छता में एक चीज और देखा, इन्होंने पूछा कि क्या आप लोगों ने विद्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज किया है नहीं, ठीक है। इस चीज़ों को भी देखा गया। तो सैनिटाइज आप जो है सो आप बच्चों को आप बता दें आप किए हैं तो उन चीज़ों को जानकारी आसपास के लोगों को भी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामीणों से भी इन्होंने बगल में जो विद्यालय जो है सो विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पर आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ जो है सो आगे इन्होंने क्या देखा कि विद्यालय समय से खुल रहा है या नहीं, इन चीज़ों पर जो है सो ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। अब निरीक्षण के दौरान आपने शिक्षकों की स्थिति तो आपने देख ही लिया, आगे जो है सो एक चीज़ और इन्होंने पूछा कि क्या सभी शिक्षकों ने वैक्सीन लिया या नहीं। सभी शिक्षक को वैक्सीन लेना अनिवार्य है। जो शिक्षक वैक्सीन नहीं लिए हैं, देखिए सभी शिक्षकों को वैक्सीन लेना हर हाल में अनिवार्य है, जो शिक्षक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो विद्यालय कार्यालय में जो है सो विद्यालय कार्यालयों से उन्हें दूर रहने की बात की गई है। अब दूर रहने का तात्पर्य यह नहीं कि विद्यालय से बाहर रहना है, मतलब जब विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब लोगों को तो रहना ही रहना है, लेकिन इन्हें कुछ खासा जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उन्हें कुछ खासे दूरी बना करके रहने की बात कही गई है। अब देखिए इसके बाद जो है सो ये जो विद्यालय में कक्षा चल रहा है, कक्षा का संचालन जो हो रहा है, उस कक्षा के संचालन के जो दरमियान आप जो कक्षा का संचालन कर रहे हैं, वर्ग कक्षा का संचालन कर रहे हैं, उसमें आप पाठ टीका लिख रहे हैं नहीं, ये भी चेक किया गया दोस्तों, पाठ टीका को भी चेक किया गया है। अब पाठ टीका के साथ साथ एक चीज और देख लीजिए कि विद्यालय में पिछले 1.5 सालों से देख रहे हैं आपकी एक ही काम हो रहा है जो कि चावल का वितरण हो रहा है, ठीक है। तो चावल वितरण पंजी को भी देखा गया, ठीक है, चावल वितरण पंजी को। उसके साथ साथ एक चीज और देखा गया है कि जो अभी वर्तमान में जो है तो सभी विद्यालयों में शिक्षा समिति का नए गठन करना है, तो विद्यालय में शिक्षा समिति का सही से गठन हुआ या नहीं, गठन पंजी को भी देखा गया है, ठीक है। ये सब चीज थे जो मुख्य बिंदु हैं, बच्चों की उपस्थिति, वो स्वच्छता, जो शिक्षकों की उपस्थिति, सबसे बड़ी बात है शिक्षकों की उपस्थिति, इन सभी बिंदुओं पर जो है सो निरीक्षण का कार्य जारी है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग थोड़ा सा आप लोगों का दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुँचा जरूर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। अब इसी तरह से आपको जो है सो जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा शिक्षक हित के लिए वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।